हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ अच्छा लेके आए हैं जिससे आप घर बैठे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं कि आप किस तरीके से आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों में आपस में अटैच हैं या नहीं, मतलब लिंक हैं या नहीं, उसका पता लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल फ्री। आपको कहीं डिस्ट्रीब्यूटर में जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं पे कोई नंबर जुड़ा हो या ना हो उससे भी कोई वो इशू नहीं है। बाकी आप सिर्फ प्रोसेस देखें और हम आपको लेके चलते हैं। आप एक ब्राउज़र ओपन कर लें, गूगल गूगल ले सकते हैं, गूगल से भी हो सकता है, और क्रोम लेते हो वो भी ठीक है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना होगा इंडिया टैक्स, सॉरी इनकम टैक्स इंडिया। ओके, इनकम टैक्स इंडिया तो लिख दिया। उसके बाद आप थोड़ा पॉप को आगे करें और कुछ इस तरीके से लिखा होगा इनकम टैक्स, यहाँ पे ओके करें। और साइट जो ओपन हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉप्स शो हो रहा है, ये पे देखिए यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह दिख रहा होगा आपको, तो आप इसको यहाँ से करके कट कर दें, वापस चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फ्यूचर आप देख रहे हो कि अगर आप यहाँ से मतलब कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या ऑनलाइन आप खुद बनाना चाहते हैं स्वयं या किसी का भी बनाना चाहते हैं पैन कार्ड, तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर, यहाँ पे एक आप ईमेल अपना आईडी देकर और पासवर्ड डाल के न्यू जनरेट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से आप कुछ भी नया पैन कार्ड वगैरह बना सकते हैं। आप इस तरीके से इसको करें और नीचे की तरफ आएं, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्विक लिंक्स न्यूज अपडेट्स, तो ये नई वाली अपडेट्स हैं कुछ जो आने वाली नहीं है। तो बाकी आप क्विक लिंक्स, यहाँ पे लिंक्स तो जो दिया है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है फाइल TDVSV फॉर्म और इंस्टेंस पैन थॉट आधार टैक्स कैलकुलेटर FY 2020-21 लिंक आधार ई पे टैक्स चालान ई वेरीफाई रिटर्न व्यू फॉर्म 36 एस ए टैक्स क्रेडिट और आउटस्टैंडिंग डैमेज डिमांड। ठीक है, तो आपको इनमें से चूज करना होगा लिंक आधार, तो इस पे ओके करें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा और हम जैसे पहले बता रहे थे, अब आप यहाँ पे इस इंटरफेस पे आएगा तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। मान लो जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, उसके बाद आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए, फिर जो आधार कार्ड पे नाम है जिस अल्फाबेट से जिस तरीके से लिखा हुआ है वो जिन शब्दों में लिखा हो उस शब्द को लिख के यहाँ पे एक लिखा हुआ है आई हैव ओनली ईयर ऑफ इन आधार कार्ड, मतलब जो डेट ऑफ बर्थ होता है। ठीक है, और यहाँ पे एग्री कर दें, ये दो टिक हैं। उसके बाद कैप्चर दिया हुआ है, उस कैप्चर को लगा के और रिक्वेस्ट सेंड ओटीपी। इससे आप ऐसे कर सकते हो कि जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो उससे भी आप पता लगा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से एक आप देख रहे होंगे एक क्लिक हेयर लिखा हुआ है, एक लिंक दे रहा है, ऊपर लिखा टू व्यू द स्टेटस इफ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड लिंक आधार रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्लिक हेयर करके आप चेक कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड है जो जैसे कि हम बता दें यहाँ पे हमारा है जो आधार कार्ड नंबर है ठीक है। उसके बाद अब हम आधार नंबर डालते हैं अपना 28। सॉरी आधार नंबर गलत था, ठीक है हमने डाल दिया यहाँ पे व्यू
लिंक्स आधार स्टेटस पे ओके करते हैं, लोडिंग हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा योर पैन इज लिंक्ड टू आधार नंबर्स, तो लास्ट के जो आपके चार नंबर होंगे आधार कार्ड के वो यहाँ पे शो होने लगेंगे, ठीक है, ये बैनर दिखेगा आपको। ओके, तो आप इस तरीके से पैन कार्ड और आधार कार्ड के बारे में जान सकते कि वापस में अटैच है या नहीं है, ठीक है। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो और जो सेम प्रोसेस बताया इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।